और देखिए अगली खबर का रुख कर रहे हैं। अरुणाचल की सीमा पर चीन बड़ी साजिश में जुटा है। आज और कल बॉर्डर पर चीन एक समिट कर रहा है और इसमें पाकिस्तान को भी बुलाया गया। जिनपिंग भारत के खिलाफ साजिशों से बाज नहीं आ रहे। ताजा मामला ट्रांस हिमालय फोरम फॉर इंटरनेशनल कॉरपोरेशन समिट का है, जिसमें चीन ने पाकिस्तान को भी बुलाया है। बताया जाता है कि चीन अरुणाचल प्रदेश की सीमा करीब तिब्बत में इस समिट में पाकिस्तान के अंतरिम विदेश मंत्री जलील अब्बास जिलानी शामिल होंगे। अब्बास तिब्बत में आयोजित थर्ड ट्रांस हिमालयन फोरम फॉर इंटरनेशनल कॉरपोरेशन में भाग लेने के लिए बीजिंग के रास्ते पहुँचे हैं। फोरम में पाकिस्तान के अलावा मंगोलिया के उप प्रधानमंत्री, अफगानिस्तान के अंतरिम विदेश मंत्री और कई दूसरे देशों के विदेश मंत्री भी शामिल होंगे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक फोरम की बैठक तिब्बत की राजधानी ल्हासा के करीब 400 किलोमीटर दूर निंगची में होगी। जहां पर फोरम की मीटिंग हो रही है वो अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर के काफी करीब है। चीन ऐसे समय में अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर के करीब ये बैठक कर रहा है जब भारत और चीन के बीच तनाव है। दोनों देशों के बीच लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भी गतिरोध बना हुआ है। माना जा रहा है कि चीन इस बैठक में पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत विरोधी साजिश रच सकता है।